हेलो एवरीवन, मेरे ग्री लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है वो इस टॉपिक पर है। और ये हमारे फूल इतने खूबसूरत से जो दिखाई दे रहे हैं, और ये ज़्यादा दिन जो है धूप गर्मी से ज़्यादा दिन ये टिक नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं वो फूल लूँगी और वो ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे ये हमारे फूल जो है ज़्यादा दिन तक हमारे पास टिके रहे। और मैं वो वाटर में लगाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ आपको मैं वो फूल कौन कौन से लेने वाली हूँ। आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। यहाँ क्या होता है, गार्डन में तो धूप रहती है, यहाँ पे तो फूलों को थोड़ा बहुत धूप देनी पड़ती है, लेकिन वो धूप में ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, या हमें सो के ड्राइंग रूम में रखने का या कहीं भी किसी भी कॉर्नर पर सजाने के लिए। और पानी में हम रख सकते हैं किसी भी जार में। या तो मैं ये देखो कौन सा लेने वाली हूँ और कौन सा नहीं लूँगी, ये मैं आपको फ्लावर बताने वाली हूँ। तो मैं देखो इसको तो नहीं लूँगी क्योंकि ये एक दिन का होता है, गुलदुपैरी का। ये मोसरो जो होता है एक दिन का होता है, वैसे तो ये हाइब्रिड दो दिन चलते हैं, मगर मैं नहीं लूँगी इसको। और ये मैं डायंथस का लूँगी, ये मैंने पानी में रख के देखे हैं, तीन चार दिन बड़े आराम से चलते हैं। जैसे ये खिल जाते हैं तो इनको हम ले सकते हैं। ये मैंने दो डायंथस के ले लिए, जितने भी हम लगा सकते हैं, छोटा बड़ा जार जैसा भी है हमारा कांच का, उसमें हम लगा सकते हैं, ले सकते हैं। और एक मैं लूँगी गजानिया का। ये क्या होता, ये प्लांट पे तो तीन चार दिन रुक जाते हैं और उसमें जैसे ये खिल जाते हैं तभी हम ले इनको, तो ये उसमें पानी में कई दिन रुक जाते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके पास गुलाब का है तो गुलाब का भी ले सकते हैं। वैसे तो गुलाब का जो है कई दिन रुक जाते हैं, 8-10 दिन प्लांट पे रुक जाते हैं, लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है तो इसमें प्लांट पे और पॉट में कम दिन रुकता है, सूख जाता है जल्दी। तो मैं इसको भी लूँगी, एक को ये वाला गुलाब लूँगी मैं। तो एक कलर, ये एक फूल मैंने गुलाब का भी ले लिया है, रहते हैं जब पुराने हो जाते हैं ये झड़ते रहते हैं, इसलिए मैं इसका भी नहीं लूँगी। और ये मेरे पास गोल्डन थ्रेलिस है, इसका भी नहीं लूँगी क्योंकि ये जो सूखते रहते हैं झड़ते रहते हैं पानी के अंदर, तो इनके मैं नहीं लेने वाली हिबिस्कस वगैरह के। और एक मैं इसका लूँगी, ये भी कई दिन तक खिलता है फूल, जो अभी खिल रहा है तो हम उसी को लेंगे, पुराने को नहीं लेंगे। जैसे ये स्पेंड हो गया इसको नहीं लेंगे। और मैरीगोल्ड है आपके पास तो इसको भी ले सकते हैं। एक मैं इसका भी लूँगी, ये वाला। और एक मैं बिगोनिया का भी लूँगी, थोड़ा स्टेम लूँगी उसमें थोड़ा सा, और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए ये वेडिंग जू भी ले सकते हैं, ये भी पानी में बड़े अच्छे से चल जाता है। ये देखिए मैंने कुछ फूल और कुछ पत्तियाँ कुछ ले लिए, जो जो मुझे ज़रूरत थी जिन जिन की, और जो टिक जाते हैं। और ये मैंने लिया है इसका भी, ये पेंटस का, मगर ये टिक नहीं पाएगा, मैंने बस ऐसे ही लिया है। तो आप इसको नहीं लगाना क्योंकि ये ज़्यादा दिन फूल ये टिक नहीं पाते इसके। और देखिए मैं एक ये कांच का जार लूँगी, ये पॉट, और इसमें देखो पानी लिया है मैंने, इतना भरा है और पानी लिया है, और इसमें ये कंचे डाले हैं जो पहले बच्चे खेलते थे मेरे ही, रखे हुए थे, वेस्टेज थे, तो मैंने इसी को जो है डाल के इसमें इसको सजा दिया है। तो कुछ अगर आपके पास नहीं है तो स्टोन डाल सकते हैं या खाली भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और सबसे पहले मैं सपोर्ट के लिए ये बिगोनिया को लगाऊंगी, इसको तो ये भी कई दिन चल जाती है पानी में, इसको सबसे पीछे रखेंगे। और आप जैसे लगाना चाहो, आपके पास जो भी है अपने हिसाब से लगाओ। और इसमें ये मनी प्लांट का भी सपोर्ट दे सकते हैं इसमें, और वो भी कई दिन चल जाता है मनी प्लांट भी। और इसको पीछे से इस तरह दूंगी, और ये एक के बाद एक सारे फूल इसमें ये रखती चली जाऊंगी। और अभी रखने के बाद आपको दिखाती हूँ, ये सारे जो है इसी के अंदर सेट हो जाएंगे। और ये जितने भी मैंने अपने बगीचे के फूल लिए थे, ये सब मेरे बगीचे के फूल हैं, तो मेरे गार्डन के, तो मैंने इसमें देखो ये लगा दिए हैं, और ये सारे कई दिन तक चल जाएंगे इसमें प्लांट पर, बल्कि धूप में इतना नहीं चलते जितना इसमें पानी में चल जाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा है तभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और ये देखो, ये मैंने एक ये गजानिया का लिया है, ये तीन फ्लावर, और इस तरह लगाए आगे पीछे, आप कैसे भी इनको लगा सकते हैं। और एक ये लिया है पेंटास का, और एक ये लिया है डेंथस का, और एक गुलाब लिया है बीच में, ये देखो ये रेड कलर का, तो और एक ये मैरीगोल्ड लिया है। और ये कुछ डेकोरेट करने के लिए, ये पीछे से सपोर्ट देने के लिए मैंने ये बिगोनिया का लिया है रिंगजू, तो मैंने इसको लिया है, तो इसकी सपोर्ट भी रहेगी। और ये देखो सब ये कई सारे, और ये इधर भी हैं कुछ, ये डेंथस के,
और ये मैंने इतने लिए मैरीगोल्ड का है। तो ये सब फूल क्या है, ये कई दिन तक चल जाते हैं। और हम इसको देखो, गमला तो हम पॉट को तो रख नहीं सकते कमरे में, और इसको बड़े आराम से कहीं भी किसी कॉर्नर में हमें सजाना हो, और फूल या अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, और किसी भी कोने में घर के रख सकते हैं छायादार जगह में। तो ये कई दिन तक इसमें ये पॉट में चल जाते हैं, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया तभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो और बस ये क्या होता है कि पानी जो है इसमें, अगर ये ज़्यादा दिन चलते हैं आप चेंज करना पड़ेगा, वैसे तो 5-6 दिन तो चलते ही हैं ये। और अगर आप दूसरे, इसके बाद आप इसको निकाल के दूसरे प्लांट लगा सकते हो, मतलब फ्लावर। और ये जो हमारे आगे ये गजानिया के फ्लावर दिख रहे हैं, तो ये शाम को तो ये जो है बंद हो जाते हैं, और सुबह 9-10 बजे के बाद थोड़ा धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे प्लांट पे होता है वैसे ही सेम इस पे होगा, पानी के अंदर भी ऐसे ही होता है। ये शाम को, अभी तो ये अभी 3 बजे हैं, तो अभी तो ये खिलेंगे शाम तक, और उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे ही शाम हो जाएगी तो ये बंद होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही सुबह की शुरुआत हो जाती है 9-10 बज जाते हैं तो ये खिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और ऐसे ही खिले रहेंगे जैसे ये इसमें अभी इस समय दिख रहे हैं। और मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी। और देखो, हम गमले तो अपने कमरे में ला नहीं सकते, ड्राइंग रूम में या कहीं ला नहीं सकते, और इसलिए मुझे ये अच्छी लगी। अच्छा, आपको इसमें एक बात और बता देती हूँ, इसमें क्या है, ये ज़्यादा इसमें ब्राइट लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हल्की सी लाइट भी मिलेगी, लो लाइट में भी आप रखोगे तो ये तब भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए आप अगर आपके कमरे में कहीं भी या ड्राइंग रूम में कहीं भी हल्की सी भी लाइट हो, तो ये वहाँ भी, मैंने तो बहुत हल्की लाइट थी वहाँ पे इसको रखा था, तो उसमें बराबर ऐसे ही फूल खिला हुआ है। तो ये हल्की लाइट में भी लग जाते हैं, चल जाते हैं कई दिन तक। और ये देखिए, मैंने पानी की छोटी सी बोतल में रखा था, और ये देखो ये गजानिया है और एक डेंथसी, ये 4 दिन हो चुके हैं इसको, और ये अभी कितना खूबसूरत खिला हुआ है। और एक इसमें मनी प्लांट की स्टेम लगी हुई है, और ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना अंधेरा भी है यहाँ पे, ये तभी भी चल रहा है। और मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी, ये देखो मैं आपको दिखाती, वो भी पानी के ऊपर ही थी, और ये जार के अंदर, ये देखो कितनी सारी इसमें रूट्स आई हुई है। तो ये और मनी प्लांट पर थी एक एक पत्ती के ऊपर, और आज भी देखो ये फिर ऊपर रखा हुआ है, तो कितना खूबसूरत इसमें पत्तियां हैं अभी भी। और आप मेरी ये मनी प्लांट की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और आगे भी मैं काफ़ी सारी इसी तरह की वीडियो नई नई ट्रिक की लाती रहूँगी। और आगे भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।